रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई और कुंडलिनी रेकी जैसी 65 से भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेकी जो शब्द है इसका मीनिंग क्या है और साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसा टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इसी के साथ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो ख़ास पसंद आएगी क्योंकि मैं अपने शब्दों में रेकी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और रेकी शब्द का मीनिंग बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब हम रेकी की बात करते हैं तो रेकी जो शब्द है वो इंडियन शब्द नहीं है क्योंकि जो इंडियन शब्द है रेकी उसका मतलब ही कुछ और होता है। उसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जासूसी करना, देख के आना। ये इंडियन शब्द नहीं है, ये जापनीज शब्द है। जब हम इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें दो शब्द निकल के आते हैं, एक है रे, एक है की। दोस्तों जब हम रेकी शब्द को समझने की कोशिश करते हैं तो रे और की इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों रे मतलब होता है यूनिवर्सल और की मतलब होता है एनर्जी। चाइना में ची कहा जाता है, जापान में की कहा जाता है। की मतलब हुआ ऊर्जा, रेकी का मतलब हुआ यूनिवर्सल एनर्जी, मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, एक ऐसी ऊर्जा जो हर जगह है, जो आपके पास भी है, जो मेरे पास भी है, जो हर जगह व्याप्त है, उसको कहते हैं रेकी। दोस्तों अब आता है मेरे दिल के करीब वाला टॉपिक। दोस्तों जब ऊर्जा की हम बात करें, ऊर्जा मतलब एनर्जी। आज से हजारों साल पहले हमारे संत महात्माओं ने ये बात कही कि जो पूरा संसार है, ये जो दुनिया है, ये 5 तत्वों से बनी है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व। ये जो 5 तत्व हैं इसी से हमारी धरती बनी है, इसी से आसमान बना है, इसी से तारे हैं, इसी से समंदर है, सब कुछ। हमारे संत कहते हैं कि ये सब ऊर्जा से बना है, एनर्जी से। दोस्तों आज हमारी साइंस भी इस बात को मानती है कि हमारा शरीर और हमारे आसपास की हर चीज़ 5 तत्वों से बनी है। दोस्तों हम अगर समझें इस बात को, ये जो 5 तत्व हैं, ये जो एनर्जी है, असलियत में है क्या, ये ऊर्जा क्या है और कैसे कार्य करती है। दोस्तों हम जब साइंटिफिक लेवल में कहते हैं तो उसको कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी, मगर हम जब स्पिरिचुअल लेवल में आते हैं तो स्पिरिचुअल लेवल में हमने बहुत बार ये बात सुनी है कि कण कण में भगवान है। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते थे जब वो बहुत ध्यान साधना करके बाहर निकले तो उन्होंने कहा कण कण में भगवान है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है। लगभग हर चीज़ की हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं क्योंकि हम हर चीज़ में भगवान को मानते हैं, हर चीज़ में भगवान है। दोस्तों जिस ऊर्जा को साइंटिस्ट एनर्जी कह देते हैं उसी ऊर्जा को हम भगवान कहते हैं। अगर हम बात करें रेकी और भगवान, ये दो हैं ही नहीं, ये एक ही हैं, बस हमने और आपने उसका नाम अलग अलग रखा है। कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई साइंटिस्ट लोग या जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो ऊर्जा कह देते हैं, एनर्जी कह देते हैं, हम लोग ईश्वर, परमात्मा, भगवान कह देते हैं, ये सब एक ही चीज़ है। दोस्तों अगर आप अपने भगवान को और अच्छे से जानना चाहते हो, उनसे और अच्छे से जुड़ना चाहते हो, उनको समझना चाहते हो,
उनसे बात करना चाहते हो, उनसे मदद लेना चाहते हो, तो आपको रेकी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेकी की मदद से आप अपने ईश्वर, अपने गुरुओं से और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो, जुड़ जाते हो, उनको और अच्छे से समझ सकते हो, उनसे मदद ले सकते हो, उनकी सुन सकते हो। दोस्तों, आपको हमारे टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि ऊर्जा का मतलब होता है रेकी, और रेकी और भगवान एक ही चीज़ है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पर ऑल दबाएं, ताकि इस प्रकार की और नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपका भी हो आध्यात्मिक विकास। धन्यवाद।